बिहार एक ऐसा स्टेट जहां स्टेट डायरेक्टर के फरमान से प्राइवेट आईटीआई मानक पर खरे नहीं उतरे तो उनके संस्थानों की मान्यता खत्म कर देंगे। प्रदेश में 1200 से ज़्यादा प्राइवेट आईटीआई है जिनकी मान्यता खतरे पे है और वो डरे और सहमे हैं। ये बिहार है। नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो मुद्दा है कि बिहार में सारे आईटीआई को 104 पॉइंट का जवाब मांगा है स्टेट डायरेक्टर ने। ये कहां तक जायज है और कहां तक जायज नहीं है। पेपर में देश के सबसे बड़े अखबार दैनिक भास्कर लिखता है कि देश में काम करने वाले बढ़ रहे हैं लेकिन नौकरियाँ नहीं हैं, और दिसंबर में बेरोजगारी का दर जो है तो 8% से अधिक है। बताइए आईटीआई वालों का कितना इसमें सहयोग है, ये देश के सारे लोग जानते हैं। लेकिन बिहार की जो सरकार है, सरकार नहीं, स्टेट के जो डायरेक्टर है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आप को मान लिए हैं, ये मानते हैं कि हमको अधिकार बहुत ज़्यादा मिल गया है, हम किसी भी प्राइवेट आईटीआई को कभी भी किसी भी समय पे बुला सकते हैं और हम इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। किस बायलाज में लिखा है जनाब, आपको कोई अधिकार नहीं है। समझिए आप जितना डराना था डरा लिए, अब आप नहीं डरा पाएंगे। आपको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी आईटीआई से आप इंफॉर्मेशन मांग लें। आईटीआई को अफिलेशन डीजीटी देता है, सारे डॉक्यूमेंटेशन देख करके आईटीआई को चेक करता है, वीडियो उसके 4-5 लोग आते हैं, इसके बाद अफिलेशन देता है। आप नहीं देते हो, आप उस टीम के एक मेंबर होते हो, रिकमेंडेशन करते हो, आप बस हो गया। आपको जांच करनी होती है तो आप किसी के शिकायत पे, किसी स्टूडेंट के शिकायत पे, किसी फैकल्टी प्रिंसिपल की शिकायत पे, किसी गार्जियन की शिकायत पे, आप आईटीआई पे जा करके वहां जो शिकायत की गई है शिकायतकर्ता द्वारा, वहां आप निपटारा करेंगे, देखेंगे कि क्या मूलभूत सुविधाएं हैं या नहीं है, इसका आप स्पष्टीकरण मांगेंगे। वो भी कम से कम 15 दिन से लेकर के 45 दिन के बीच में आप उससे जवाब सफाई मांगेंगे। आप ये नहीं हो सकता है कि आप कभी भी किसी भी समय पर एक फरमान निकाल दें कि हम विजिट करेंगे या ये पॉइंट बना करके आप दीजिए। आप 104 पॉइंट जो बनाए हैं तो उसमें साफ झलकता है कि आप खुद कितने अवेयरनेस हैं। आपको यह पता नहीं है कि आईटीआई जब चल रही है तो उसका अफिलेशन होगा ही, उसकी बहुत सारी चीजें होंगी, फैकल्टियां होंगी, सारी चीजें होंगी। चलिए कुछ आईटीआई के पास नहीं है तो अगर शिकायत मिलता है तो आप रिकमेंड करिए ना, आप रिकमेंड करिए डीजीटी को, डीजीटी आपको एक लेटर देगी, शोकेस नोटिस भेजेगी आईटीआई पर, और आईटीआई वाला उसका जवाब देगा। अगर सही जवाब नहीं देता है और उनकी टीम आती है चेक करने, सही नहीं होती, तो वो डीएफिलेट होगा। लेकिन आप ये जो 104 पॉइंट की चीज मांगते हैं, तो मैं साफ साफ बोल रहा हूं साहब, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। आप ये समझिए, आप ये उगाही कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं और सीधे सीधे प्राइवेट आईटीआई वालों को धमका रहे हैं। जब खुद के दीवार जो है कांच के हो ना, अब खुद का घर कांच का हो तो दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारते हैं। आप जान लीजिए कि गवर्नमेंट आईटीआई में क्या क्या है, बताइए कितने गवर्नमेंट आईटीआई में मूलभूत सुविधाएं हैं, कितनी फैकल्टियां हैं, कितने सामान लगे हैं। आप प्राइवेट आईटीआई की जांच करने आ जाएंगे, गवर्नमेंट आईटीआई की जांच करने कौन जाएगा, कौन जाएगा? और सुनिए साहब, आपको तो अधिकार ही नहीं है, आपको तो अधिकारी नहीं। हाँ, वहां का जिला अधिकारी जो होता है वो जांच कर सकता है, लेकिन कब जांच कर सकता है? जब कोई शिकायत मिलेगी तब, या फिर अपने जिले की वो ये जांच कर सकता है
कि क्या हमारे जिले में बेरोजगारी के लिए, रोजगार के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं जिसमें आईटीआई वालों को अवेयरनेस किया जाए या देखा जाए सही रूप से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कोई सेमिनार आद किया जाए। इस चक्कर में वो या कोई शिकायत मिलेगी तभी जांच कर सकता है। ऐसे नहीं है कि वो जिला अधिकारी डीएम है तो कभी भी किसी भी वक्त किसी के घर में घुस आएगा, ऐसा नहीं है। ना ऐसा कहीं सिस्टम पे लिखा हुआ है, आप बायलाज उठा करके देख लीजिएगा। और जो मार्च की लेटर की बात कर रहा हूं, वो लेटर भी देख लीजिएगा कि आपको कितनी शक्ति दी है। उसमें लिखा हुआ है कि आप एडमिशन आदि के लिए अवेयरनेस करेंगे, कार्यक्रम चलाएंगे। आपने कितने कार्यक्रम चलाए हैं? आपको बस करना क्या है, डराना है? आप बताइए, आप अपने ही चीजों से क्यों भाग रहे हैं? ईडी प्रैक्टिकल का नंबर आपके नोडल अधिकारी नहीं समय पर चढ़ाता है, आप स्टेट वाले आप नंबर नहीं भेजते हो। देख लीजिए डीजीटी ही आपके ऊपर कितनी बार उंगली उठाती है। आपके पास मेल पे मेल, 15 दिन पे मेल आ रहा है और आप डेटा नहीं भेज रहे हो, और आप दोष दे रहे हो प्राइवेट आईटीआई का। आप अपने बाबुओं का कुछ कर नहीं पा रहे हैं। चलिए सबसे पहले ये रिपोर्ट देख लें, फिर इसके बाद बात करेंगे। चलिए प्राइवेट आईटीआई वाले, ये रिपोर्ट देखिए। एक 28 मार्च के एक लेटर को, डीजीटी के एक लेटर और एक कमेटी को बनाने को स्टेट डायरेक्टर क्या इतना पावरफुल हो गया है कि जब चाहे तब वो प्राइवेट आईटीआई पे मनमानी कर सकता है या नहीं कर सकता? इस लेटर को देखा जाए तो क्या असीम शक्ति दे दिया है डीजीटी ने स्टेट डायरेक्टर को? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हवा उड़ाया जा रहा है या स्टेट डायरेक्टर द्वारा जो है तो माहौल बनाया जा रहा है, नोडल प्रिंसिपल या हर कोई गवर्नमेंट आईटीआई वाला जो है तो प्राइवेट आईटीआई पे अपना अधिकार जमा रहा है। हाँ, कमेटी बनाई गई, कमेटी का काम क्या था? उसमें साफ साफ इस लेटर में लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है। यहाँ पे स्टेट के जो है तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चेयरपर्सन बनाया गया, बाकी 9 लोगों को जो है तो उसके सदस्य मेंबर बनाए गए। उसमें लिखा गया पॉइंट बाई पॉइंट कि आप एडमिशन के लिए क्या करोगे, जो बिल्कुल भी गवर्नमेंट की आईटीआई और वहां के स्टेट डायरेक्टर ने नहीं किया। इस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ था कि आप लोग प्रचार प्रसार आदि करोगे, एडमिशन बढ़ाओगे, इसके लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया। हाँ, एक काम जरूर किया गया, एग्जामिनेशन को भी लेकर के जो प्रॉब्लम आ रही थी उस प्रॉब्लम को कैसे कन्वे करना था, कैसे ठीक करना था, इसके लिए स्टेट डायरेक्टर बिल्कुल भी नहीं उठी। लेकिन स्टेट डायरेक्टर कब उठती है? जब अफिलेशन और डी अफिलेशन की बात आ जाती है तब। सवाल ये उठता है कि अफिलेशन को लेकर के ही जांचें क्यों होती हैं प्राइवेट आईटीआई की? क्या यह एक सुनियोजित तरीके से बनाया गया, एक ऐसा बनाया गया प्रोपगेंडा है कि जो प्राइवेट आईटीआई को दबाना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं? कई जगह पे देखा गया है कि स्टेट डायरेक्टर मनमानी करते हैं, वहां के अधिकारी मनमानी करते हैं, वहां के बाबू लोग मनमानी करते रहते हैं, अपिलेशन को लेकर के कभी भी कोई भी चीजें जारी कर देते हैं। अब अपिलेशन डी अपिलेशन के इस लेटर के बारे में कहें तो शक्ति तो दी है, लेकिन शक्ति के साथ में क्या क्या चीजें बोली हैं वो चीजें नहीं है। कुछ पॉइंटों को पकड़ लिए हैं स्टेट के डायरेक्टरों ने और बस सेंटर की जांच करने के लिए निकल पड़े। मैं पहले भी अपने शो में दिखा चुका हूं कि डीजीटी की वृत्त दृष्टि प्राइवेट आईटीआई पर पड़ने वाली है, बहुत बड़ा ग्रहण पड़ने वाला है। तो अब ये साल खत्म होते होते ग्रहण का असर दिखने लगा है। अब देखते हैं कि देखिए, एक स्टेट के डायरेक्टर, जैसे सबसे पहले हम चलते हैं पटना, बिहार पटना के, वहां के डायरेक्टर ने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने 6/12 को एक लेटर निकालते हैं और राज्य के सभी संचालित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण के संबंध में, भाई साहब गवर्नमेंट आईटीआई का कोई निरीक्षण नहीं होगा। गवर्नमेंट आईटीआई चाहे जैसी चल रही है वो तो गवर्नमेंट की है, उस पर कोई किसी भी प्रकार की जांच नहीं आनी चाहिए, किसी भी प्रकार का जो है तो निरीक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां से कुछ मिलेगा नहीं। जहां मिलता है वहां पर ही शक्ति बरती जाती है।
तो ये लेटर में लिखा गया कि एक गूगल फार्म है, उस गूगल फार्म को भर करके आप 15 तारीख के पहले जो है तो जमा करिए। अब बताइए, मैं गूगल फार्म देख रहा था तो गूगल फार्म जो है तो लगभग 104 पॉइंट का है, ठीक है। अब इसको एक एक चीज को लेकर के बात करते हैं तो सही बात है, TNCBT MIS अब बात करते हैं तो NCBT MIS कोड डालिए, सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ITI का नाम भरें, ITI की वेबसाइट एड्रेस भरें, बहुत सारे ITI की तो वेबसाइट ही नहीं है। अब बताइए, अब मैं 50 बार पहले चिल्ला चिल्ला करके बोला था कि भैया वेबसाइट आप लोग बना लीजिए, एक दिन दिक्कत होगी। और जो मैं बोलता हूं करीबन एक महीने डेढ़ महीने पहले वही सारी चीजें होती हैं, वेबसाइट ना बनाना बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। फिर जिला का नाम भरे, मंडल का भरे, प्रखंड भरे, फिर ITI का पता कोड भरे, और फिर इस गूगल फार्म में भरा गया जो संस्थान का अफिलेशन है उसका पता दिया गया है, यदि नहीं है तो कारण बताइए, मोबाइल से जो है तो गूगल मैप का ऐप का जो है तो प्रयोग करिए, और GPS लोकेशन भरिए आप, दुनिया भर की चीजें हो गई, रजिस्टर्ड ईमेल भरिए आप, पेन नंबर भरिए, और कब जो है तो संस्थान का स्थापना हुआ है वो सारी चीजें भरिए आप, इसके बाद DGT का अफिलेशन का आर्डर तिथि भरिए और PDF में अपलोड करिए, संस्था की जमीन, कुल क्षेत्रफल, जमीन का खाता नंबर, जमीन का खसरा नंबर, जमीन का रकबा, और जिसके जमीन पर है उसकी जो है तो जमाबंदी आदि इत्यादि भरने के लिए बोला गया। संस्थान की स्थापना का वर्ष भरें, संस्था में मैनेजमेंट में कौन कौन सा काम करते हैं, जैसे ट्रस्ट हो, सोसाइटी, NGO, कंपनी जो भी हो सेलेक्ट करें। डायरेक्टर का नाम भरें, डायरेक्टर के फादर का नाम भरें, मोबाइल नंबर, ईमेल, प्रिंसिपल का नाम, फादर का नाम प्रिंसिपल का, और बहुत जगह तो प्रिंसिपल साहब है ही नहीं है, बिना प्रिंसिपल की ITI चल रही है, प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और कौन कौन से ट्रेड की यूनिट है वो सारी चीजें भरने को बोला गया, जैसे इलेक्ट्रिकल, फिटर, मैकेनिकल, डीजल, वेल्डर, बहुत सारी चीजें हैं जो भरने को लिए बोला गया। एज पर रूल कितने इंस्ट्रक्टर हैं आपके यहाँ, देखा जाए तो बहुत कम इंस्ट्रक्टर हैं, इंस्ट्रक्टरों की भर्ती हुई नहीं है, कितने इंस्ट्रक्टर हैं। अब सबसे बड़ी बात आ गई है कि कुल कितने CITS पास आउट इंस्ट्रक्टर संस्थान में उपलब्ध हैं, जो कि देखा जाए तो लगभग 5-10% भी CITS ITI में काम नहीं कर रहे हैं। और यही चीज मैं आप लोगों को आज दिखा रहा हूं, ये सबूत कि ये चीज मैं पहले बता चुका था कि CITS भरिए, आप लोग नहीं सुनना है तो अब आप लोग फंसिए। ऑफिस के स्टाफ क्या कर्मचारियों का वेतन का पे, अब ये देखिए मैंने जो जो शब्द बोला था वही वही शब्द है, आप देख लीजिएगा कि कर्मचारी का वेतन का बैंक द्वारा पे है कि नहीं है, और अगर बैंक द्वारा पे है तो फिर उसका डिटेल निकालिए, और नहीं है तो फिर उसका दीजिए। इसी में आप लोग फंसोगे, क्या बायोमेट्रिक मशीन है, उपयोग में लियाया जा रहा है या नहीं लियाया जा रहा है, CCTV क्लासरूम में लगे हैं या नहीं लगे हैं, काम कर रहे हैं नहीं है, वर्कशॉप में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बिल्डिंग का जो है तो किराया पे है या नहीं है किराया पे, तो उसको फोटो में अपलोड करिए और जियो सेटिंग से जो है तो उसको लोकेशन भरिए, या बिल्डिंग में साइड में फोटो अपलोड करने में GPS लोकेशन का उपयोग करना होगा, संस्थान की बाउंड्री वॉल जो होती है उसको अपलोड करना, ये मैंने बोला था कि संस्थान में चारों तरफ से बाउंड्री वॉल होना चाहिए, जो संस्थान की बाउंड्री है उसका होना चाहिए, ठीक है, ये मैंने बता दिया था आप लोगों को, आप लोगों को समझ में आता नहीं क्या NCVT के अनुसार जो है तो वर्कशॉप उपलब्ध है या नहीं है, कार्यशाला की कुल क्षेत्रफल कितना है स्क्वायर मीटर में भरिए, कार्यशाला के अंदर मशीन की फोटो के साथ आप भरिए, और GPS का यूज करिए जब आप फोटो कर रहे हैं तो, ठीक है, कोई भी चीजें हो वहां पे आप फोटो करेंगे तो GPS लोकेशन के साथ में करें। क्लासरूम क्षेत्रफल भरें, क्लासरूम के पुरुषों के लिए कितनी टॉयलेट है, महिलाओं के लिए कितनी टॉयलेट है, पुरुषों के लिए कितनी है, ये सारी चीजें आपको भरनी थी। अब क्या NCVT नाम्स के अनुसार
थ्री फेस जो है तो बिजली का कनेक्शन है कि नहीं है, कितना कनेक्शन है, कितना लोड है, वो सारी चीजें आपको भरना पड़ेगा। पिछले बिजली का बिल जमा करने की तिथि और बिजली का बिल जमा किए तो उसका रसीद स्कैन करके अपलोड पीडीएफ के साथ में भरना पड़ेगा आपको। इसके बाद बिजली के कनेक्शन का डिवीजन क्या है चयन करिए, वाटर सप्लाई कैसा है कि नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है कि नहीं है, एनसीबीटी नॉर्म्स के अनुसार से पावर बैकअप की फैसिलिटी है कि नहीं, जो किसी के पास नहीं है, कंप्यूटर लैब उपलब्ध है, पता नहीं भगवान जाने के कंप्यूटर कब से चालू है भी कि नहीं है कि धूल खा रहे हैं, अब कुल कितने कंप्यूटर हैं उनकी संख्या भरा जाए, इंटरनेट कनेक्शन वाईफाई भरा जाए, कुल कितने व्यवसाय आपके संस्थान में अफिलेशन है भरा जाए, और कितने का अफिलेशन मिला है, कितने सेकेंड ईयर में छात्र पढ़ रहे हैं उनकी संख्या भरा जाए, फर्स्ट ईयर का भरा जाए, और क्या आपके यहाँ पे एज पर एनसीबीटी नॉर्म्स के अनुसार मशीन इंस्टॉलेशन है या नहीं है, क्या प्रैक्टिकल के लिए कच्चा माल उपलब्ध है या नहीं है, इन प्रशिक्षणार्थियों का जो प्रशिक्षण कर रहे हैं क्या उनका मंथली टेस्ट होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है भाई साहब, और होता है तो उनका परीक्षा पीडीएफ में अपलोड करें या नहीं है तो कारण बताएं, क्या छात्रों के त्रैमासिक टेस्ट होता है भगवान ही जाने, यह भी उनका परीक्षा फल जो है तो लोड करें, है भी है तो नहीं बताएं आप, उनके प्रोग्रेस कार्ड चार्ट जॉब का लिए रजिस्टर डेली रजिस्टर डायरी आज बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता भगवान ही मालिक है, क्या संस्थान में लेटेस्ट सिलेबस उपलब्ध है या फिर नहीं है माशा अल्लाह है, क्या संस्थान में लाइब्रेरी उपलब्ध है या नहीं है भगवान ही जाने, तो बहुत सारी चीजों को मशीन की लाइब्रेरी की लॉक बुक बनी है कि नहीं बनी है, मशीन की लॉक बुक है या नहीं है, क्या संस्थान में पावर बैकअप है, जनरेटर है कि नहीं है माशा अल्लाह ही है, क्या एज पर नॉर्म्स के हिसाब से टूल इक्विपमेंट है, अब चेक होगा तो पता चलेगा कि क्या है कि नहीं है, और क्या संस्थान में कोर्ट केस दायर किया है या नहीं। अब लीजिए जिस चीज की बात हो रही थी जो मैं कहने वाला था, एक संस्था लिखा हुआ, क्या संस्थान द्वारा कोई कोर्ट केस दायर किया गया है या नहीं किया गया है, बस यही चीजों को समझ लीजिए कि आखिर ये जांच क्यों हो रहा है। आप 100 नंबर को देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे कि आपके साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं नहीं कहने वाला हूं, जो भी कह रहा है इसी लेटर में दबा दिए हैं और इसका मतलब जानना है और समझना आपके काम में है, अगर है तो उसका विवरण भी दीजिए। अब आ जाइए आप 102 नंबर में थी, स्टेट डायरेक्टर द्वारा क्या आपकी जांच की गई है, कब किया गया है, क्या संस्थान द्वारा निर्धारित फीस जमा की गई है या नहीं की गई है, यदि फीस का चालान रिसीप्ट हो तो स्कैन करिए, यदि नहीं है तो कारण बताइए। तो अगर मैं सब चीजों को छोड़ करके आपको ये कह दूं कि अब आप जो ग्रहण लगा है उस ग्रहण का एक ग्रहण है, जैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है, तो यहां डीजीटी पे एक कोर्ट केस ग्रहण लग गया है। अब वो कोर्ट केस ग्रहण क्यों लगा है, अब बिहार की जनता को जानना चाहिए, बिहार के जो प्राइवेट आईटीआई के लोग हैं, डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको समझना चाहिए इस शो को। आपके यहां एसोसिएशन वाले बात बात पे जो कोर्ट केस करते हैं तो यही उसका जो है तो जवाब है, ठीक है। अब इसी को रूप में जिस भाषा में आप मानोगे डीजीटी उसी भाषा में आपको अब जवाब देने के लिए तैयार रहो, जैसे आप हर बात के लिए आप कोर्ट केस करते हो, तो अब डीजीटी ने अधिकार दे दिया है स्टेट पे, अपने पे नहीं दिया हुआ है, डीजीटी अब कोर्ट केस से बचना चाहती है, जो भी रिपोर्ट स्टेट डायरेक्टर देंगे उसी रिपोर्ट को मान करके रिकमेंड करके आपको डीएफिलेट कर देगी। तो कुल मिला करके 100 नंबर को देखना चाहिए और 100 नंबर को देख करके ही आपको काम करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बोल दिया हूं। चलिए बैक टू स्टूडियो चलते हैं, फिर बात करते हैं। ये सब दिखाने का मतलब मेरा सिर्फ एक ही ये था कि डरिए नहीं, अवेयरनेस होइए, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं दे सकता है, अगर आप गलत नहीं है तो आपका कोई कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकता है। हाँ, जो गलत हैं आईटीआई वाले उनको आप हटाइए, और आप भी प्राइवेट आईटीआई लग जाइए, जो गंदगी फैला रही हैं उनको आप हटाइए, लेकिन स्टेट डायरेक्टर खासतौर से बिहार के और नोडल के अधिकारी आप बार बार जो ये धमकी देते रहते हो ना,
कई बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बहुत सारी शिकायत मिलती है। अब लोग आपके रिकॉर्डिंग करने लगे हैं, ठीक है, वीडियो बनाने लगे हैं। अगर वो चल गया तो आपकी नौबत आ जाएगी, नौकरी जाने की नौबत आ जाएगी। आप पहले अपने गवर्नमेंट आईटीआई को ठीक करिए, इसके बाद प्राइवेट आईटीआई की ठीक करिए। और एक चीज बता दूं, सबसे ज्यादा लड़के मैरिड पे प्राइवेट आईटीआई के आते हैं, आपके गवर्नमेंट के आईटीआई के नहीं आते हैं। और गवर्नमेंट के कर्मचारी जो करते हैं ना, वो छुपाइए नहीं साहब, जिस दिन आप लोग सही हो जाओगे ना, तो ये देश कहां के कहां पहुंच जाए। और दूसरी बात, ये सब करवाता कौन है? क्या किसी प्राइवेट आईटीआई वाले की हिम्मत है कि वो कुछ गलत करे? अगर गवर्नमेंट का लोग करवाते हैं तभी तो होता है, इसमें हाथ किसका होता है? जांच करिए, देखिए आप। और डीजीटी के अफिलेशन पे उंगली आप ना उठाइए। 5 साल का अफिलेशन मिलता है, इसके बाद रीअफिलेशन होता है, रीअफिलेशन करने के बाद डीजीटी आगे की चीज बढ़ाती है। अगर डीजीटी ने नहीं बढ़ाया है तो ये डीजीटी की गलती है। आपको अगर लगता है कि आपके यहां कुछ गलत हो रहा है तो आप नोटिस भेजिए उस आईटीआई पे, जांच करिए और रिकमेंडेशन भेजिए आप डीजीटी को। आप हर किसी को पॉइंट बाय पॉइंट नहीं करवा सकते, आप खुद ही फंस जाओगे। आप बताइए, अभी प्रैक्टिकल एग्जाम में आप सारा डेटा मंगवाए थे, एडमिशन के समय में डेटा मंगवाते हैं आप, एग्जाम के समय में मंगवाते हैं, फिर आपको बार बार मंगवाने की क्या जरूरत पड़ती है? और फिर ये चीजें क्या आपने मेल गवर्नमेंट आईटीआई में किया था या नहीं किया था? तो गवर्नमेंट आईटीआई को आप बचाना चाहते हो और प्राइवेट आईटीआई को खत्म करना चाहते हो। है ही ऐसे प्राइवेट आईटीआई वाले, हैं ही ऐसे, ये अपने में ही लड़ मर रहे हैं, तो क्या करेंगे? इसी का तो आप फायदा उठा रहे हैं, बहुत अच्छे से फायदा उठा रहे हैं और उठाते रहिएगा। अच्छी बात है, उठाते रहिएगा, लेकिन आप सोच लीजिएगा, जिस दिन वीरेश सिंह कैमरा लेकर के गवर्नमेंट आईटीआई में पहुंचेंगे ना, तो फिर आपको जवाब देते नहीं बनेगा। और अब सोच समझ करके काम किया करिए। अच्छी बात है, आप, मैं भी बोल रहा हूं और प्राइवेट आईटीआई भी बोल रहे हैं कि जो गंदी आईटीआई है उसको निकालिए, उसको खत्म करिए, वो कैंसर हो गया है, हर कोई निकालना चाहता है। लेकिन सब पे आप उंगली नहीं उठा सकते हो, सबको एक जैसे नहीं देख सकते हो। बिहार छोटा राज्य नहीं है, वहां बहुत सारे लड़के सपने सजोए रहते हैं आगे बढ़ने के लिए, और देश के विकास में बिहार का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत आईएएस आईपीएस अफसर, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े नेता बिहार से ही बनकर के आते हैं। और आप ऐसे मत समझिए, धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ता चला जा रहा है। और डराइए नहीं, बिल्कुल बोल रहा हूं कि आप डराइए नहीं, और डंके की चोट पे कह रहा हूं कि आपको कोई अधिकार, कोई बालाज, कोई ला नहीं है। आप सिर्फ अपने स्टेट की रक्षा करिए कि देखिए कि आईटीआई कैसी चल रही है कि नहीं चल रही है। अब दो तरफा तो बिल्कुल ना करिए साहब। आईटीआई वालों को मेल करने जाते हैं तो मेल का जवाब आप देते नहीं हो, आप फोन करते हैं तो आप फोन का जवाब नहीं देते हो, आपके यहां आते हैं वो तो आप उनको ऐसे बैठाते हैं जैसे लगता है कि क्या बता दूं कितनी बड़ी चोरी किए हैं। अरे वो क्रिएटर हैं, जॉब क्रिएटर हैं, सोचिए, वो जॉब देते हैं, लड़कों को स्किल कर रहे हैं, उनको तो आप कुर्सी से उठ करके उनका सम्मान करना चाहिए, गुरु के बराबर दर्जा है। मैं तो उनको ब्रह्मा मानता हूं, सृष्टि की रचना करने वाले जो सही में आईटीआई चला रहे हैं, और उन आईटीआई को तो मैं प्रणाम करता हूं, वो ब्रह्मा से कम नहीं है, वो क्रिएटर है। जैसे ब्रह्मा विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का क्रिएटर है, वैसे ये प्राइवेट आईटीआई के डायरेक्टर और प्रिंसिपल और इंस्ट्रक्टर जो है तो ये क्रिएटर है। आपको भी यही क्रिएट किए हैं, तभी आज आप यहां पे बैठे हो। अगर ये गुरु ना होते तो आप वहां ना बैठते। आज जो आप आंख दिखा रहे हो और उंगली दिखा रहे हो, गलत कर रहे हो। गलत का कोई साथ नहीं देता है। अगर सिस्टम में खराबी है तो सुधारिए। आप ये बताइए मेरे को, आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मेरे से बायोलॉजी ले लीजिएगा। आप लोगों को बोला गया था कि आप अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाएंगे। कितनी बार आपने सेमिनार किया है अपने यहां कि आप आईटीआई ऐसे चलाएं, ये चलाएं, वो चलाएं। आप अपनी कब गवर्नमेंट आईटीआई को आपने दिखाया, इनको प्राइवेट आईटीआई वाले को विजिट करवाया कि देखिए हम ऐसे चला रहे हैं, आप लोग जो है तो देश के विकास में आगे बढ़िए, मशीनें नई ले आइए, लड़कों को रोजगार करवाइए, हम आगे हैं। एक अफसर होता है वो आगे आता है,
बताता है, गलतियों को बताता है, समझाता है, सुधारने का मौका देता है। और आप लोग दिवाली दशहरा नए साल में एक आदेश निकाल देते हैं, डीएम को भेज देंगे जांच करने के लिए। अरे डीएम को जांच करने का अधिकार है क्या बिना शिकायत के? क्या डीएम हो गए हैं वो तो कभी भी किसी भी समय पे जा सकते हैं? ऐसा नहीं होता है। अगर कोई शिकायत होगी तभी डीएम जाएंगे। और डीएम ऐसे बेवकूफ नहीं होते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो ऐसे सब चीजों में नहीं जाते हैं कि ऐसे सब चीजों में चले जाएं। ये आपकी गलत फहमी है। ये जो छोटे कर्मचारी बैठे हैं ना, ये सीधे वसूली की चीज होती है, और वसूली के लिए आप मेल कर दिए, अब इसमें बहुत सारे आईटीआई वाले घबरा जाएंगे। और सही बात है, अब जो डेटा नहीं पहुंचाएंगे वसूली होगी, यही होना है और यही होता आया है, पर अब नहीं होगा। धीरे धीरे लोग अवेयरनेस हो रहे हैं, जग रहे हैं सर। तो आपसे कहने का मतलब है कि नोटिस मत निकालिए, अब जाइए देखिए कि मूलभूत सुविधाएं हैं कि नहीं हैं। अगर नहीं हैं तो उनको समझाइए कि भैया महीने भर दो महीने में आप ठीक कर लीजिए। चलिए मैं आपको अपनी आईटीआई दिखाता हूँ, गवर्नमेंट आईटीआई दिखाता हूँ। आप लोग जो है तो बिहार के विकास के लिए, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी प्रदेश के विकास में आप आगे बढ़िए, रोजगार के अवसर दीजिए, आप अच्छे लड़कों को अच्छे अच्छे लड़के बनाइए, उनको सामाजिक तौर तरीके से सिखाइए, अवेयरनेस करिए, ना कि आप तानाशाही करिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे और तभी देश आगे बढ़ेगा। और ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद जानता हूं कि कितने आईटीआई वाले दोषी हैं, कितने नहीं हैं। एक चीज मानवता के नाते कहें कि कोरोना के महामारी की बीमारी में कितने कर्मचारियों को निकाला गया। गवर्नमेंट ने भी जिनको प्राइवेट पे रखा हुआ था ना, उनको भी निकाल दिया, तनख्वाह नहीं थी पैसा देने के लिए, तो प्राइवेट आईटीआई वाले भी निकाल दिए। अब धीरे धीरे सुधर रही व्यवस्था, तो जाइए उनसे बैठिए, मीटिंग करिए, उनको बताइए, उनको अवेयरनेस करिए, उनका सेमिनार करिए, उनको प्रोत्साहन दीजिए, उनको बताइए कि आप हमारे बराबर हैं, आप कल रिटायर हो जाएंगे तो फिर आप उसी सोसाइटी में आएंगे, हमेशा ये पद नहीं रहता है, आप ये समझिए, जानिए। आप इतना ही कहूंगा, इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा। अब प्राइवेट आईटीआई वाले कब तक, मैं ये सवाल आपके ऊपर छोड़े जाता हूं, कब तक झुकोगे, कब तक ऐसे रहोगे, कब तक घुट घुट के रहोगे? जिंदा हो ना तो जिंदा होने का सबूत दीजिए, और अगर लाश बन गए हो तो फिर जिंदा लाश की तरह ऐसे ही रहो। आज तक के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, और हेलमेट लगाइएगा, गाड़ी धीरे से चलाइएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।